नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। चुनाव जीतने में अपनी सारी ताकत झोंक देने वाली बीजेपी पार्टी भारी बगावत झेल रही है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी में भारी बगावत हो गई है। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, बीजेपी पार्टी के साथ ठीक वैसा ही हो रहा है। जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार गिराई, ठीक उसी तरह त्रिपुरा में बीजेपी के साथ बिल्कुल वैसा ही होता दिख रहा है। त्रिपुरा चुनाव में पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। खबर आ रही है दोस्तों, 2023 के त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। खबर है कि 2023 के चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लग सकता है और उनकी सहयोगी पार्टी जो है उसमें बहुत बड़ी टूट-फूट देखने को मिल गई है। खबर की शुरुआत में आप समझ गए होंगे कि 2023 में चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसके सहयोगी पार्टी में, सहयोगी गठबंधन पार्टी में जिस तरीके से टूट-फूट हो रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब ये झटका कैसे लगेगा आपको बताते हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने में मुश्किल से 6 महीने बचे हैं। इससे ठीक पहले सत्तारूढ़ भाजपा के गठबंधन सहयोगी इंडिजेंस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि IPFT का एक धड़ा हाल ही में शाही वंशज प्रदोत किशोर देव वर्मा की पार्टी TRPRS मोथा में शामिल हो गया है। यानी कि इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो चुनावों से पहले बीजेपी का जो सहयोगी गठबंधन था उसका एक धड़ा, एक झुंड, नेताओं का एक झुंड दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल हो गया है। दोस्तों, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने में बमुश्किल 6 महीने बचे हैं। इससे ठीक पहले सत्तारूढ़ भाजपा के गठबंधन सहयोगी इंडिजेंस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का एक धड़ा शनिवार को शाही वंशज प्रद्योत किशोर देव वर्मा की पार्टी TRPRS मोथा में शामिल हो गया। उन्होंने IPFT के खिलाफ अपनी अलग राज्य टिपरालैंड की मांग से हटने और बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। 2019 में कांग्रेस छोड़कर प्रद्योत ने पिछले साल फरवरी में TRPRS मोथा बनाया था। TRPRS मोथा के गठन के 2 महीने बाद पार्टी पिछले साल जिला परिषद सत्ता में आई थी। IPFT के कुछ नेताओं सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के 11,000 से अधिक मतदाता ये कहते हुए पार्टी में शामिल हुए कि TRPRS मोथा अकेले अलग राज्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है। IPFT के महासचिव धनंजय त्रिपुरा ने TRPRS मोथा में शामिल होने के बाद कहा, हम IPFT में आए क्योंकि इसने टिपरालैंड का वादा किया, लेकिन उन्होंने लोगों को धोखा दिया। वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को धोखा दिया। IPFT के कई और नेता सितंबर के बाद पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी वो उम्मीद जता रहे हैं। यानी कि बीजेपी की सहयोगी गठबंधन वाली पार्टी का एक ग्रुप जो है वो अलग हो गया है, और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी इंडिजेंस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, उन लोगों का ये दावा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी और लोग पार्टी छोड़ेंगे, सितंबर के बाद कई और नेता पार्टी छोड़ करके हमें ज्वाइन कर लेंगे। खबर में आगे क्या लिखा है देखिए, खबर में आगे लिखा है IPFT के विधायक ब्रिश केतु देव वर्मा के इस्तीफा देने और TRPRS मोथा में शामिल होने के बाद IPFT के भीतर गुटबाजी दिखाई दे रही थी। उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। बाद में IPFT मंत्री मेवाड़ कुमार जमातिया को टिपरा मोथा को अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए कैबिनेट से हटा दिया गया था। उनकी पत्नी और विशाल समर्थक पिछले महीने पार्टी में शामिल हुए थे। आपको एक बार फिर बता दूं, IPFT बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टी है, जिसके कई नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और पार्टी का नाम है TRPRS मोथा, जिसमें वो शामिल हो गए हैं। खबर में आगे क्या लिखा है देखिए, इससे पहले NC देव वर्मा ने बताया कि IPFT का एक प्रतिनिधि मंडल अगले 23 अगस्त को नई दिल्ली में टिपरालैंड राज्य स्थापना मांग दिवस मनाएगा। IPFT राज्य में भगवा पार्टी के साथ गठबंधन करके 2018 में 60 सीटों वाली विधानसभा में 8 सीटें हासिल कर सत्ता में आई थी। तो त्रिपुरा में 2023 के चुनावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है दोस्तों। बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है।
दूसरी तरफ चुनाव भी सर पर है। ऐसे में गठबंधन में टूट फूट होना बीजेपी के लिए चुनावों में जो है वो एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि जो पार्टी दूसरे विधायकों को तोड़कर अपना गुट मजबूत कर लेती है, उसी के सहयोगी पार्टी के नेताओं के एक बड़े ग्रुप ने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब बीजेपी इस मुसीबत से कैसे निपटेगी ये तो देखने लायक रहेगा, लेकिन जिस तरह से पार्टी में टूट फूट हो रही है उससे शायद अब बीजेपी को एहसास हो जाए कि उसने जो महाराष्ट्र में किया है, जिस तरह महाराष्ट्र की सियासत में उसने टूट फूट मचाई है, विधायकों में टूट फूट मचाई है, वैसा अगर उसके साथ होता है तो कैसा लगता है। त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे। मुख्यमंत्री मानिक साहा समेत भाजपा के 3 प्रत्याशियों ने उपचुनाव में जीत हासिल की। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि त्रिपुरा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मानिक साहा ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा करते हुए खुद को राज्य के सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया। बता दें कि महीने भर पहले ही बीजेपी ने मानिक साहा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बिप्लब देव को सीएम पद से हटाकर उन्हें राज्य की कमान सौंपी थी। उस वक्त शपथ ग्रहण के दौरान पार्टी में कलह की खबरों और चुनौतियों को लेकर मानिक साहा ने कहा था कि बीजेपी एक राजनीतिक दल के साथ एक सामाजिक पार्टी भी है, उस हिसाब से चुनाव आएंगे और जाएंगे, हम लोग एक ही तरह से काम करते हैं। 2023 के लिए हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, बतौर मुख्यमंत्री सबसे बड़े चुनौती पर बात करते हुए मानिक साहा ने कहा था कि बीजेपी 365 दिन काम करती है, हमें यही सामने रखकर काम करना चाहिए, हम चुनाव के लिए काम जो है वो नहीं करते, जनता हमसे खुश है, इसलिए कोई ज्यादा चुनौती नहीं है। आपको बता दें कि साल 2016 में मानिक साहा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2020 में उन्हें राज्य में पार्टी प्रमुख बनाया गया था, जिसके बाद इस साल ही वो मार्च में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। समाचार एजेंसी ANI के एक खबर के मुताबिक त्रिपुरा में अगले साल मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनको देखते हुए 4 साल से मुख्यमंत्री रहे बिप्लब देव की जगह बीजेपी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर मानिक साहा को कमान सौंप दी। पेशे से एक डेंटल सर्जन डॉक्टर साहा को राज्य बीजेपी का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। बीजेपी को उम्मीद है कि अगले विधानसभा चुनाव में होने जा रहे बहुकोणीय मुकाबले में राज्य में पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए डॉक्टर मानिक साहा जो है वो मददगार साबित होंगे। माकपा का गढ़ रहे पूर्वोत्तर के इस राज्य में अब तृणमूल कांग्रेस भी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। डॉक्टर मानिक साहा 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, इसके बाद उन्होंने तेजी से तरक्की की। उनको 2020 में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, और इसी साल मार्च में उनको राज्यसभा भेजा गया। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी के सहयोगी गठबंधन में टूट-फूट की खबरें सामने आ रही है, उससे बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ सकती है। दोस्तों, जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना में तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद जो है सारा खेल पलट कर रख दिया, सारा समीकरण पलट कर रख दिया, वही सेम कहानी यहां पर भी देखने को मिल रही है। जिस तरह नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उससे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो बीजेपी पार्टी है। कुछ ना कुछ करके जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में पूरा सियासी खेल पलट कर रख दिया, ठीक उसी तरह बीजेपी अपनी पार्टी बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो कर ही लेगी। इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कोई खबर कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।